जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए सराहनीय पहल करते हुए विशाल लाची फाउंडेशन ने भारत को भूख मुक्त बनाने के लिए पीएम पोषण माह के तहत ग्लोबल रोटी डे नामक एक जागरूकता फीड थान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान RHA GKP चैप्टर और प्रेरित युवाओं के सहयोग से वॉकथान के दौरान भूखे जरूरतमंदों को ताजा भोजन परोसा गया और समाज को जागरूक करते हुए सभी को इस तरह की मुहिम से जुड़कर गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। युवा छात्र छात्राओं द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास की लोग प्रशंसा करते नजर आए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए छात्र आयुष गुप्ता ने कहा, सर यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो अपने घर से बहुत कुछ ताज़ा बना हुआ लेकर आए थे, और जो नहीं ले आ पाए थे जो डायरेक्ट PG से या डायरेक्ट ऑफिस से या कहीं से आए हैं वो पैक्ड फूड लेके आए थे, बिस्कुट वाटर बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम लोग उसको अपने रूट में जो भी ज़रूरतमंद लोग दिखे हैं, सहाय लोग दिखे हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और पब्लिक को अवेयर किए हैं कि अगर वो साल का एक दिन अपने जीवन में साल में एक दिन एक रोटी देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो हम लोग इंडिया को हंगर फ्री इंडिया की तरफ ले जा सकते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को इस तरह के कार्य करने की? सर विशालक्षी फाउंडेशन से जुड़े हैं। विशालक्षी फाउंडेशन एक विशाल लक्ष्य के साथ स्थापित की गई है, 0% हंगर 100% एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ड्रीम स्कूल चलाती है जहाँ पे सहाय बच्चों को जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको एक एजुकेशन दिया जाती है, बेसिक एजुकेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कराए जाते हैं जैसे उनके पास आधार कार्ड नहीं है, या जो एडमिशन के वक्त लगते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क या बहुत मिनिमल कॉस्ट पे पढ़ाया जाता है, उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, देन उसको इस इतना कैपेबल बनाते हैं अपने एजुकेशन या अपने स्किल्स के द्वारा कि वो बच्चा LKG UKG या फर्स्ट में एग्ज़ाम दे के या कनेक्शन से या उसको स्कूल तक ले जाते हैं जिसमें वो 12th तक की एजुकेशन वो कर सकता है। ये एम है जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ा के स्कूल तक रास्ता दिखाने का काम ड्रीम स्कूल कराता है। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम आयुष गुप्ता।